बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये सॉन्ग सुन रहा था जी, वीडियो है जी दो लड़कियों की। आपको यहाँ पर मैं मजे लीजिए यही बोलूंगा यार। इसके मतलब पिक्चर आपको मैं शायद एक आधा दिन की दिखानी शुरू कर चुका हूँ। आप पिक्चर देखिए, मैं आपको इनका वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ और हुआ क्या इसके मतलब शायद आपको पता चल चुका हो। लेकिन मैं आपको एक दो बातें क्लियर करूंगा आपके आपके साथ, जो मेरे खासकर गैर मुल्की भाई, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई बैठे हुए हैं सऊदीया में। तो मैं सॉन्ग सुन रहा था जी, वो जो क्या अभी ये मोबाइल के ऊपर एक ऐसी क्लिप आ रहा था, वो जो लिखा हुआ है आपने भी अक्सर सुना होगा जी, तिखा नक ते मोटी अख, कुड़ी दा रंग सूट दा लाल, बिल्लो नची मेरे नाल। तो यार ये देख ले, मैं आपको ना इनका क्लिप भी यहाँ पर साथ में दिखाता हूँ अभी इन लड़कियों का। तो हुआ कुछ यूं जी, एक मालदीव में ये गई हुई थी, सऊदी अरेबिया की, दो ये सऊदी हैं, दोनों सऊदियों की खवातीन है। स्नैपचैट क्या, ट्विटर क्या, इंस्टाग्राम क्या, फेसबुक क्या, यूट्यूब क्या, सबके ऊपर फेमस है, खासकर ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट के ऊपर। तो काफ़ी मशहूर शख्सियत मानी जाती हैं, वहाँ की फेमस शख्सियत मानी जाती है। अच्छा, मालदीव में गई हुई थी सैर व तफरी के लिए, बहुत से भाई जाते हैं, जैसा कि मैं आपको सऊदी अरेबिया के बहुत से इलाकों की विजिट करवा चुका हूँ, इसी चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। तो ये वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने यहाँ पर आपको क्लिप में शायद दिखा रखा हूँ इनका, एक हुआ कुछ यूँ कि वीडियो बना दी, वीडियो में ये बोल दिया कि हम सऊदी खवातीन हैं, मालदीव के मतलब एक दो फिक्रे ऐसे बोल दिए जो कि गैर मुनासिब थे। तो बस इसी चीज़ के ऊपर हुआ, बहुत सी वीडियो ऐसी होती हैं यार, लेकिन ये इनकी वीडियो जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, ये फेमस थी इनकी, ये वीडियोस वायरल हो गई। ठीक है, वायरल होने के बाद जब नोट किया गया कि मालदीव के खिलाफ इन्होंने कुछ ऐसे फिक्रे बोले हैं जो कि गैर मुनासिब है, उसके बाद इनको भाई पेशी के लिए तलब कर लिया गया है अदालत में। अभी 4 लाख रियाल का इनके ऊपर फाइन कर दिया गया है और हो सकता है कि इससे भी जायद कुछ बढ़ाया जाए, यानी कि जेल वगैरह के मतलब भी इनको बोल दी जाए। मैं आपको जो बात तमाम परदेसी गैर मुल्की भाइयों को बताना चाहता, जो मेरे पुराने भाई सऊदीया में मुकीम है जी, वो इसके मतलब बाखूबी जानते हैं कि ऐसे मामला की सूरत में क्या होता है। होता यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर, मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुका था, कि कोई भी किसी किस्म की आप रंगबाजी करते हैं, यानी कि आप डॉलर रियाल दिखाना शुरू कर देते हैं, वो शरीक को ये देखो ये फलां, या किसी दोस्त के साथ ऐसे हंसी मजाक में झगड़ा कर रहे हैं, या किसी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर लगा रखे हैं, तो इसी के ऊपर भाई आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये फेमस शख्सियत है, दोनों सऊदन खवातीन हैं, इनको भाई ठीक है, इनके ऊपर असर तो इस चीज़ का होने वाला है, ये तो कन्फर्म बात है। लेकिन फिर भी आप सोचें कि इनकी इनको अगर कैद वगैरह नहीं हुई, अगर होगी भी तो ये माफी तलब कर लेंगी और उसके बाद 4 लाख रियाल भी ये पे कर देंगी। लेकिन आप जैसा या मेरे जैसा भाई अगर वहां पर 50,000 रियाल का भी फाइन हो जाए, तो भाई हमने किधर से देना है, बात तो ये है। तो एहतियात कीजिए, ऐसी वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, ना कि ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर लगाएं।